आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो केवल मसीही लोगों के लिए है, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए है। तो आज बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग राखी बांधेंगे, राखी बंधवाएंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आप एक मसीही नहीं है, आप एक क्रिश्चियन नहीं है, आप एक ईसाई नहीं है, आप एक मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप रक्षा बंधन बांधते हैं, बनवाते हैं, आप एक मसीही नहीं है। मसीही वो ही है जो यीशु मसीह के पीछे चलता हो, जिसने अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया हो। ये लोग वही है जो संसार के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें रक्षा बंधन बनाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार के सदृश बनने के लिए नहीं कहा है। मैं संसार के नहीं हो, मैंने तुमको संसार से निकाल लिया है, मैंने तुमको अपने खून से, अपने बलिदान से खरीद लिया है। लेकिन फिर भी आज मसीही लोग नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पाप में गिरने वाले हैं, रक्षा बंधन के कारण पाप में गिरेंगे और वो सोचेंगे कि मैं मसीह के सामने एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं भला काम कर रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, आप अपने लिए एक पाप का काम कर रहे हैं। ये बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। अगर आपको इस संसार के अनुसार चलना है तो आप मसीही ना बने, आप यीशु मसीह को छोड़ दें और आप अपने रीति रिवाज के अनुसार चलिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, अगर आप यीशु मसीह पर सचमुच में विश्वास करते हैं, अगर आपने सचमुच में यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है तो आप ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका जीवन सही नहीं है, आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है, अभी भी आप संसार में चल रहे हैं, अभी भी आप संसार के अनुसार काम कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। इस रक्षा बंधन बांधते हैं, मनाते हैं तो आप एक मसीही नहीं हो सकते, क्योंकि मसीही वही है जो अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान प्रभु को दे, अपने जीवन में पहला महत्व प्रभु को दे, अपने कामों से, अपने चाल चलन से प्रभु को महिमा मिले। लेकिन अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी क्या? प्रभु की आराधना होगी क्या? आप दूसरे मसीही लोगों को ठोकर का कारण बना रहे हैं, आप दूसरे मसीही लोगों को पाप में गिरा रहे हैं। अगर आप एक मसीही हैं और आप रक्षा बंधन बनाते हैं तो दूसरे मसीही लोग आपको देखकर भी रक्षा बंधन बनाएंगे, जिसका पाप उन लोगों को नहीं लगेगा लेकिन आपको लगेगा, क्योंकि वो आपको देखा है। इस पता होना चाहिए कि मैं एक मसीही हूं और मसीह का काम ये नहीं है। जिस प्रकार आज संसार कर रहा है उस प्रकार मसीही लोगों का काम नहीं है। मत्ती 16 अध्याय 24 कलम में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इस प्रकार का काम करते हैं वो उस धनी व्यक्ति के समान है जो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि प्रभु मैं भी अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं भी उद्धार पाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा कि अपना जो धन है वो कंगालों को दे दे, लेकिन वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनी था। आज बहुत सारे मसीही लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, प्रभु मैं भी मसीह बनना चाहता हूं, मैं भी प्रभु आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन मैं रक्षा बंधन को नहीं छोड़ सकता, मैं आप पर विश्वास करूंगा, आपके वचन को पढ़ूंगा, आपकी आराधना करूंगा, लेकिन मैं रक्षा बंधन बनाऊंगा। ऐसे लोगों का स्वर्ग राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। याकूब उसका 4:4 कलम में लिखा है, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब उसका 5:5 कलम में लिखा है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहो और बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया।
पत्रस, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 15 कलम में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप इस प्रकार का काम करेंगे तो क्या आप पवित्र हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या आज मैं किस स्थान पर हूँ, आज मेरा जीवन किस प्रकार का है, आज मेरा चाल चलन किस प्रकार का है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।